वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्या प्रसादान्नगतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्विषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरि प्रिये जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐ छे गुसाईर कोरी चरण बंदन जहां होइते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नियम सेवा के सुअवसर पर हम लोग श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की प्रार्थनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। अपने स्वरूप में आविष्ट होकर नरोत्तम दास ठाकुर महाशय प्रिया प्रियतम के चरणों में अभीष्ट सिद्धि के लिए सेवा प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते चले आ रहे हैं और फिर से सेवा प्राप्ति की प्रार्थना उन्होंने की। आइए एक बार दोहरा लेते हैं वो प्रार्थना क्या थी। अरुण कमल दले शेज बिछाई वोशाई वो किशोर किशोरी अलका आवृत मुख पंकज मनोहर मरकत श्याम हेम गौरी प्राणेश्वरी कबे मोरे होबे कृपा दिठी आज्ञाए आनिया कबे विविध फूल बर वचन सुनबो दुहु मीठी मृगमद तिलक सिंदूर बनायबो लेपबो चंदन गंधे गांथी मारती फूल हार पहिरावबो धावावो मधुकर वृंदे ललिता कबे मुरे बीजन देववो बीजबो मारुत मंदे शमजल सकल मिटब दुहु कलेवर हेरबो परम आनंदे शमजल सकल मिटबो दुहु कलेवर हेरबो परमानंदे नरोत्तम दास आश पद पंकज सेवन माधुरी पाने होबो हेनो दिन ना देखिए कोनो चिन्ह दुहु जन हेरबो नयाने। गुरुदेव ने सुधा कर्णिका व्याख्या में बहुत ही मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है प्रिया प्रियतम की माधुरी का और उस माधुरी के बीच उस विलास के बीच में इस सेवा की प्राप्ति का जो अभिलाष है श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के हृदय में वो बड़ा ही अपूर्व है। हम चर्चा कर रहे थे कि निभृत निकुंज में श्री राधा माधव का विलास होगा और जब विलास हुआ तो उसकी अतिशयता से कुसुम शैया विमर्दित हो गई और तब किंकरी के रूप में श्रील ठाकुर महाशय विलास कुंज में प्रवेश कर देख रहे हैं कि विलास शैया तो मर्दित है
वे अरुण वर्ण कमलों की पंखुड़ियों से शैया रचना करेंगे और किशोर किशोरी राधा श्याम सुंदर को उस पर बिठाएंगे। हमने जाना, गुरुदेव ने कहा, स्वयं भगवान श्री कृष्ण पूर्णतम तत्व हैं, आत्मा राम आप्त काम, जिन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है आनंद को पाने की, जिनके नाम को लेने से जीव का भव बंधन समाप्त हो जाता है, विषयों में भटकन समाप्त हो जाता है, माया समाप्त हो जाती है नाम मात्र लेने से, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण। किसी भी रूप माधुर्य को पाने के लिए पिपासित नहीं है, बहुत ध्यान से समझिए। श्री कृष्ण सिर्फ अपने ही साथ रमण करते हैं, अपनी स्वरूप शक्ति के साथ, अपनी आह्लादनी शक्ति के साथ ही रमण करते हैं, विलास करते हैं अपने आप के साथ। उनके अंदर की शक्ति है ये जो उनको उनके स्वरूप का आनंद देती है। जब वो उनके अंदर होती है, जब भक्तों के अंदर होती है, तो उन्हें भक्तों के हृदय में जो प्रेम हो गया उसका आनंद आस्वादन कराती है। और जब एक मूर्त विग्रह का रूप धारण करती है यही आह्लादनी शक्ति, तो वो बन जाती हैं श्री राधा रानी और अनेक अनेक गोपियां। एक ही शक्ति, श्री कृष्ण की एक ही शक्ति, आह्लादनी शक्ति, जिसके साथ श्री कृष्ण विलसित हैं। और इसी आह्लादनी शक्ति पर जब योग माया की सहायता से उसी आह्लादनी शक्ति के साथ श्री कृष्ण का विलास होता है, तो वो अभूतपूर्व होता है। उन्हीं को योग माया जी पर किया भाव उन पर आरोपित कर देती हैं, है ना। तो उस पर किया भाव में अपनी ही आह्लादनी शक्ति का आस्वादन और भी चमत्कार से भरपूर हो जाता है श्री कृष्ण के लिए, क्योंकि वो रसिक शेखर हैं। और मजे की बात यह है कि नर्वत लीला में ना श्री कृष्ण ये जानते हैं कि मैं भगवान हूं, ना गोपियां ये जानती हैं कि ये भगवान है। मिलन में तो ये ज्ञान ही नहीं होता, और हाँ जब विरह होता है गोपियों को, तो विरह एकदम सूर्य की तरह प्रकाशक होता है और श्री कृष्ण का तत्व मानो कि गोपियों के हृदय में प्रकाशित हो जाता है, वो बात अलग है। तो श्याम सुंदर का जो ये रूप है, ये पूर्ण है, पूर्ण स्वरूप है। श्री कृष्ण अपने आप में पूर्णतम तत्व है, है ना। कोई दुनिया की कोई जीव शक्ति ये नहीं कह सकती कि मैं श्री कृष्ण को मिलन सुख पहुंचाऊंगी, ये संभव नहीं है। वो अपनी स्वरूप शक्ति को लेकर ही खेलते हैं, और जीव शक्ति के लिए वहां पर जो पद खाली है वो है दास का पद। महाप्रभु की कृपा से सबसे उच्च प्राप्ति हमें हो रही है, और वो है मंजरी के रूप में निकुंज सेवा, प्रिया प्रियतम की सेवा, तो बहुत उच्च प्राप्ति है। तो गुरुदेव कहते हैं कि पूर्ण स्वरूप में ना तो घटोत्री होती है ना बढ़ोतरी होती है, लेकिन तो भी स्वरूप ऐसा है श्याम सुंदर का कि उसकी अतिशयता है, अतिशयता है। और स्वरूप की ही नहीं, प्रकाश की अतिशयता है, यानी वो जिस तरह से नजर आते हैं श्याम सुंदर, नील घन सुंदर सच्चिदानंदमय विग्रह, जो प्रियाओं के आभूषण की चमक से चमकते हैं और अपने लावण्य राशि से चमकते हैं, ऐसा ज्योतिर्मय सुंदर स्वरूप श्री कृष्ण का, जो निराकार नहीं है, परम साकार सविशेष और सुंदर सुंदर दिव्य गुणों से युक्त हैं, परम माधुर्य की असीम सीमा है, तो ऐसे जो श्री कृष्ण हैं उनके लिए बताया गया कि वो उनकी उनका जो प्रकाश की अतिशयता घटती है वो श्री वृंदावन धाम में ही घटती है। वृंदावन धाम में कहा गया, तत्राति शुशुभे ताभिर भगवान देवकी सुतः मध्य मणिनाम हेमानाम महामरकतो यथा। अर्थात
श्री वृंदावन में श्री रास मंडल में ब्रज देवियों के साथ मधुर मिलन में श्री कृष्ण के निरतिशय सौंदर्य की अभिव्यक्ति हुई थी। हेम मणियों के बीच महामरकत मणि की तरह श्री कृष्ण ने निरतिशय शोभा धारण की थी। भगवान का ऐसा असमर्थ रूप लावण्य और कहीं प्रकट नहीं होता। उनका रूप लावण्य ऐसा है कि जिसमें बढ़ोतरी की कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन तो भी जब रास हो रहा था ब्रज गोपियों के साथ तो श्याम सुंदर ऐसे लग रहे थे जैसे कि जो स्वर्ण मणियां है ना, स्वर्ण मणियां, उनके बीच में मरकत मणि सजे धजे हों, नीले से हैं, और अगर नीले रंग पर पीला रंग पड़े तो वो हरा हो जाता है। तो श्याम सुंदर की आभा कुछ हरियाली हरियाली सी महामरकत मणि की तरह चमक रहे थे, इतने सुंदर। गुरुदेव ने बोला कि निरतिशय सौंदर्य की अभिव्यक्ति हुई है। निरतिशय माने कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं, ऐसी असमर्थ सौंदर्य और कहीं प्रकट नहीं होता। सबसे ऊपर श्री राधा रानी के सानिध्य में इस रूप सिंधु में प्लावन जगता है, प्लावन जगता है, ज्वार मान लीजिए आ जाता है। देखिए श्री चैतन्य चरितामृत में हमारे श्री कविराज ये बात बोलते हैं, वो कहते हैं कि जो राधा रानी हैं और गोपियां हैं वो क्या हैं, वो ठाकुर जी की स्वरूप शक्ति हैं, उनके प्रेम के वश में हैं श्याम सुंदर। और जब प्रिया जी और गोपियां सामने होती हैं तो उन लोगों का जो प्रेम है वो बढ़ता चला जाता है श्याम सुंदर को देख करके, और श्याम सुंदर का जो रूप लावण्य है वो भी गोपियों को देख करके स्थिर नहीं रह पाता है, वो गोपियों के प्रेम के कारण बढ़ता चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं अद्भुत अनंत मोर मधुरिमा, त्रिजगते इहार केहु नाही पाए सीमा। ये अनंत माधुर्य है मेरा, लेकिन हमें समझ नहीं आता क्योंकि हमारे पास लेश मात्र भी प्रेम नहीं है, प्रेम के लिए साधना कर रहे हैं, प्रेम नहीं है। लेकिन प्रिया जी चूंकि महाभावती है, महाभाव स्वरूपणी है, महाभाव से बनी है, कृष्ण प्रणय विकृति है, इसलिए वो इस माधुर्य को अगस्त मुनि की तरह एक चुल्लू में, जैसे वो पूरा समुद्र पी गए थे, ये माधुर्य अमृत पूरा पान कर लेती हैं। तथापि वो कहती हैं कि मैं तो जानती नहीं कि कृष्ण कैसे हैं, कौन है ये कृष्ण, ये तुमने क्या नाम लिया अभी अभी। सखियों को बोलती हैं ललिते तुमने ये कृष्ण ये नाम क्या लिया अभी अभी, अभी ही कृष्ण के पास थी, निकल के गई हैं दूसरे कुंज में, सखियों के साथ मिल रही हैं, और जब वो कृष्ण चर्चा कर रहे हैं तो बोल रही है कृष्ण कौन है, मैंने कभी ये नाम नहीं सुना। तो ये नाम मुझे उन्मादित कर रहा है। तो ललिता जी बोल रही हमें नहीं पता कृष्ण कौन है। अब सोच रही अभी अभी तो श्री कृष्ण के पास इनको बिठा के आए हैं और अभी अभी ये बोल रही कौन है कृष्ण, ये कैसी उन्मादना, ये कैसी मत्तता कृष्ण प्रेम की। तो बोली नहीं बताने की तो आवश्यकता पड़ेगी भाई, क्यों क्यों बताएं तुम्हें कृष्ण कौन है। अरे बताओ, उनका नाम सुनते ही मुझे ऐसा आकुल व्याकुलता हो रही है मेरे हृदय में, मुझे अपने आप को बचाना होगा ना कृष्ण से, कौन है कृष्ण बताओ। तो कौन समझ पाएगा श्री राधा रानी का प्रेम, कोई नहीं समझ पाएगा। और देखिए उनका प्रेम और श्याम सुंदर का माधुर्य जो कि उस प्रेम के सामने आकर के निरतिशय वर्धित होता है, बढ़ता चला जाता है, उसके लिए प्रिया जी की कृपा प्राप्त, कृष्ण कृपा प्राप्त जो लीला शुक जी हैं, बिलमंगल ठाकुर जी, वो क्या कहते हैं, कमनीय किशोर मुग्ध मूर्ते हैं, कल वेणु क्वणिता द्रितान नेन्दो मम वाची विजृंभताम मुरारेर मधुरिमणः कणिकापि कापि कापि। वो क्या कहते हैं कि जो कमनीय और नव किशोर हैं श्री कृष्ण, जिनकी मनोहर श्रीमूर्ति दर्शन कर त्रिभुवन मुग्ध हो जाता है,
ऐसी मनोहर और ऐसी कमनीय उनकी श्री मूर्ति है कि त्रिभुवन मुग्ध हो जाता है। जिनका मुख चंद्र मधुर मंद वेणु की सुधा धारा से परिप्लुत है। मुख चंद्र, अब भाई चंद्रमा होगा तो वहां से सुधा तो निकलेगी ही, अमृत निकलेगी ही, तो वो मुख चंद्र है तो अमृत कहाँ है भाई, चंद्र का अमृत कहाँ है। तो बोल रहे हैं वो जो वेणु बजा रहे हैं ना अस्फुट स्वर में धीरे धीरे, लगता है जैसे कि मेघ धीरे 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 गर्जित हो रहे हैं, इस तरह से जो वो मधुर मुरली का निनाद कर रहे हैं वही है सुधाधारा जो कि मुख चंद्र से निसृत हो रही है। उन्हीं मुरारी श्री कृष्ण के माधुर्य की क्षुद्रतम कणिका ही सही, क्षुद्रतम है ना, कणिका भी कापी कापी, क्षुद्रतम कणिका नहीं तो उसकी एक कणिका, कणिका की कणिका नहीं तो उसकी एक कणिका, नहीं तो कणिका का आभास ही मेरी जिह्वा पर प्रकट हो, मेरी जिह्वा पर प्रकट हो। तो लीला सुख जैसे परम भागवत परम प्रेमिक भक्त भी जब ये कहते हैं कि मैं उस मधुरिमा को संभाल नहीं पा रहा हूँ, मैं जड़ होता चला जा रहा हूँ, तो हम जैसे लोगों की क्या बात है, हमारे अंदर तो प्रेम भी नहीं, हम क्या समझेंगे, है ना। तो प्रिया जी भी अगर ये कहती हैं कि मैंने तो कभी ये रूप देखा ही नहीं, अभी बिजली की तरह ये रूप मेरी आंखों के आगे बस आया था फिर चला गया, जन्म अवधि हम रूप निहारनु नयन न तिरपित भैलो, खुद भी कह रही है मैंने कई जन्मों से निहारा है, एक जन्म नहीं, और जब से मैंने मैं पैदा हुई हूँ तब से मैंने जो अपनी आंखें पहली बार खोली तो कृष्ण को ही देखा, और तब से लेके अब तक देख ही रही हूँ तो भी नयन न तिरपित भैलो। लाख लाख जुग हिया हिया राखिलो तबु हिया जुड़ानो न गैलो, तभी हृदय में शांति नहीं आई, हृदय में रखा मैंने तब भी लगता है कि जैसे मैंने देखा नहीं, हृदय में रखा नहीं। तो ये अतृप्ति का भजन है, ये श्री कृष्ण की जो मधुरिमा है वो व्यक्ति को पूर्ण तृप्त कर दे, ऐसा नहीं है वो और के लिए रोता है और। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि फिर विलासंत जब हुआ तो ये जानकर कि दोनों एक दूसरे को सुखी कर पाए हैं, दोनों के रूप सिंधु माधुर्य की तरंगों से उत्ताल हो उठे हैं। रूप सिंधु में उछाल आया, क्यों, ये सोच करके कृष्ण सोच रहे हैं कि मैं प्रिया जी को सुख दे पाया, प्रिया जी सोच रही हैं मैं श्री कृष्ण को सुख दे पाई, अपनी समस्त अंगों से समस्त इंद्रियों से मैंने कृष्ण को सुखी किया, कृष्ण मेरे प्रयास द्वारा सुखी हुए। अपने सुख की तरफ यहाँ पर किसी की निगाह नहीं है, इसीलिए यहाँ पर प्रेम है काम नहीं है, प्रेम निर्मल भास्कर, हमेशा याद रखिए। अब यहाँ मंजरियों की सेवा के बारे में बात हो रही है, श्री ठाकुर महाशय कह रहे हैं उसी रूप का थोड़ा वर्णन करते हैं। अलका आवृत मुख पंकज मनोहर मरकत श्याम हेम गौरी, ऐसा मुख कमल है कि जो उनके जो अस्त व्यस्त केश राशि है उससे आधा ढका है आधा खुला हुआ है दोनों का, हम सोच भी नहीं सकते इतना सुंदर रूप है प्रिया प्रियतम का, इतना सुंदर। तो इस रूप को देखने के लिए ही तो साधना है, इस रूप को देखने के लिए ही तो भजन है, इस रूप को प्राप्त करने के लिए ही तो भजन है, वहां सेवा पाने के लिए ही तो भजन है, वरना भजन क्यों है। अगर सेवा ही नहीं मिली तो दुखों से निवृत्ति प्राप्त करके क्या मिलेगा, कि दुखों से निवृत्ति हो जाए मात्र, भाई निवृत्ति हो गई कुछ मिला तो नहीं, मिलने का नाम ही सब कुछ है, मिलना क्या है सेवा सुख। और सबसे परम सेवा कहाँ मिलती है, निकुंज में प्रिया प्रियतम के चरणों में, ये जो अतिशय माधुर्य युक्त हैं, माधुर्य पर्सोनिफाइड अगर हो जाए, माधुर्य एक रूप ले ले असमर्ध माधुर्य, वही है श्री कृष्ण, असीम रस, रस ही सुंदर होता है और असीम आनंद, प्रिया जी रस और आनंद का मेल है ये, कोई हार्ड मास के व्यक्ति का मेल नहीं है ये, बहुत सोचना होगा, सोच भी कैसे सकते हैं जब तक चित्त साफ ना हो, शुद्ध ना हो, भजन ना हो, भक्ति ना हो,
गुरुदेव के अनुगत्य में हम ध्यान धारणा स्मरणांग भजन ना कर रहे हो तो ये सोच उत्पन्न ही कहाँ हो सकती है। फिर भी कथा सुनने से लोभ उत्पन्न होता है इस प्रकार की भक्ति को पाने का, और प्रिया प्रियतम का वो माधुर्य मंडित शिव विग्रह देखने का। आगे गुरुदेव कहते हैं, विलास के अंत में केशराजी अस्त व्यस्त है, मुखमंडल चूर्ण कुंतलों से आवृत है, मानो शैवाल मंडित नील कमल और स्वर्ण कमल माधुर्य रस से दमक रहे हैं। एक उपमा दी बड़ी सुंदर, श्री राधा रानी की तप्त स्वर्ण छटा ने श्री कृष्ण की नव नीरद कांति को मरकत मणि की तरह थोड़ा श्यामल कर दिया है, थोड़ा हरापन आ गया है उसमें, हल्का सा हरापन आ गया है। और उधर श्री कृष्ण की श्याम कांति ने श्री राधा रानी की गलित स्वर्ण कांति को गौराव कर दिया है, एकदम हेम गौरी है, एकदम हेम गौरी भी नहीं कहेंगे, हेम की अंग है, है ना, स्वर्णिम आभा है पूरी, स्वर्णिम गोल्डन तप्त कांचन गौरांगी। तो अब श्याम सुंदर की जो नीली आभा प्रिया जी के शिव विग्रह पर पड़ रही है तो वो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि प्रिया जी क्या हो गई है, हेम गौरी, गोरापन सा दिखने लगा है उसमें, जो उनका गोल्डन जो वर्ण है उसमें हल्का सा और वो गोरापन ले आया है। तो यह श्याम गौरी अति अद्भुत मिथुन है। श्री वृंदावन महिमामृतम में श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं, एक प्राणम तदति मधुरम द्वंद्व मेकात्म भाव मेका क्रीडम निर्वधि समुन मील देख स्मरार्ति एकानंद प्रणय सुषमाध्येक सर्वेन्द्रिय हम वृंदारण्येर अद्भुत रसमयम गौर नीलम स्मरामि। कहते हैं वो अति मधुर युगल एक प्राण है, अति मधुर युगल एक प्राण है, दो नहीं है, दिखते दो हैं, दिखते दो हैं, राधा कृष्ण क्या है, एक प्राण है, एक आत्मा है, लेकिन लीला के लिए दो हो जाते हैं। जैसे दूध और उसकी सफेदी को कोई अलग नहीं कर सकता, जैसे अग्नि और उसके ताप को कोई अलग नहीं कर सकता, जैसे कस्तूरी और उसके गंध को कोई अलग नहीं कर सकता, ऐसे ही दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन तो भी लीला के लिए वो एक अलग अलग रूप में दिख रहे होते हैं। एक ही आत्मा है प्रिया प्रियतम, एक प्राण, एक आत्म भाव है, एक ही भाव है, क्योंकि शक्ति और शक्तिमान का एक ही भाव रहेगा और एक खेल परायण है और निरंतर एक ही काम आरती प्रकट करने वाले हैं। वे दोनों एक ही आनंद के प्रणय सुषमा स्वरूप हैं और दोनों की ही सर्वेंद्रिय चेष्टा एक ही प्रकार की है। जो उनकी चेष्टाएं हैं एक दूसरे को प्रसन्न करने की, सुख देने की, वो सारी चेष्टाएं एक ही प्रकार की हैं। श्री वृंदावन में ऐसे अद्भुत रसमय गौर नीलात्मक युगल का मैं स्मरण करता हूं। श्री वृंदावन में ऐसे अद्भुत रसमय एक रस प्रिया प्रियतम स्वरूपाविष्ट श्री ठाकुर महाशय प्राणी प्राणेश्वरी कबे मोरे होबे कृपा दिठी से लेकर दुहुजन हिरबो नयने इस पदांश में उस रति शांत युगल की सेवा के लिए श्री राधा रानी के श्री चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जब एक दूसरे को सुख देने की अपूर्व चेष्टा करोगे और उस विलास में जब आप श्रमित हो जाओगे तो मुझे अपने चरणों की सेवा देकर धन्य कीजिए। कह रहे हैं, हे प्राणेश्वरी तुम्हारी कृपा दृष्टि मुझ पर कब होगी, वो दिन कब आएगा जब मैं तुम्हारे आदेश से या तुम्हारी सखियों के आदेश से विविध उत्तम कुसुम अर्थात सद्य प्रस्फुटित यानी ताजे फूल जो कि भंवरों द्वारा भी नहीं छुए गए हैं ऐसे पुष्पों का चयन करती हैं मंजरियां, अछूते पुष्प मैं चयन करके लाऊंगी और तुम लोगों का मधुर वचनामृत रस कर्ण चशकों से पान करूंगी। प्रिया प्रियतम खूब बातें करते हैं, रसालाप, तो ये इतना मधुर रसालाप होता है कि वो सोचते हैं
मतलब जो हमारी मंजरी है वो उसके हृदय में इतनी तृष्णा जागृत होती है इस रसालाप को सुनने की कि जिसकी कोई जिसका कोई और छोर नहीं है। तो वो ये सोचती है कि मुझे ना किसी भी बहाने ये मौका मिल जाए कि मैं अंदर जाकर सेवा करूं और फिर मुझको वो रसालाप सुनने का मौका मिले। तो वो रसालाप सुनने का मौका मिले, अपने कान रूपी पात्रों से मैं उसका बारंबार 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 आस्वादन करूं। वस्तुतः मंजरी के कान तरसते रहते हैं युगल सरकार का रस आलाप सुनने के लिए, नर्म परिहास सुनने के लिए, बातें सुनने के लिए जो कभी खत्म होती नहीं है। इतनी बातें, इतनी प्रेम की बातें, इतनी प्रेम की बातें और इतना आपस में हंसी मजाक और इतना प्रेम उसमें, और जो मंजरी है, जो सेविका है, बस उसके कान यही तड़पते हैं कब मैं प्रिया जी की मधुर आवाज सुनूंगी और कब श्याम सुंदर के साथ उनका रस आलाप सुनूंगी। सारी सखियां तड़पती हैं इस चीज के लिए, प्रिया प्रियतम को सुनने के लिए। मधुर आया गिरा वलगु वा गया, बुध मनो गया पुष्कर एक क्षण। तो वो जो मधुर वाक्य है, सोचिए अगर हम गौर करें तो श्री कृष्ण स्वयं भगवान है और उन्होंने कितने सारे पशु पक्षी ऐसे बनाए हैं। कोयल की आवाज़ है, कोयल की आवाज़ जिसे बार बार सुनने का मन चाहता है, और भी ऐसे कितनी मधुर मधुर आवाज़ वाले पक्षी हैं, कितनी मधुर मधुर आवाज़ वाले वाद्य यंत्र हैं, राग हैं, रागिनियाँ हैं, और ऐसे अनेक 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 प्राणी हैं जिनकी बड़ी मधुर आवाज़ होती है, जिनकी आवाज़ सुन करके लगता है ये बड़ी मधुर आवाज़ आई, ये किसने कहा, ये किसने गाया, ये किसका गान था, इसका कंठ तो बड़ा मधुर है ना। किसी दुनियावी गायिका का कंठ भी हम कहते हैं अरे ये तो बड़ा मधुर है, सुनने का मन करता जाता है, सुने जाओ सुनते जाओ। तो उनका स्वयं का कंठ कैसा होगा, और फिर उनको जो आनंद देती है वो शक्ति, आह्लादिनी शक्ति, उसका अपना कंठ, उसका क्या, वो कंठ कैसा होगा। तो वो अनुभव में आता है मंजरियों के, मंजरियां जब साधना करती हैं, भजन करती हैं, भजन के समय ही मंजरी भाव उपासक के अनुभव में आ जाता है, उनके कानों में उनके वो युगल माधुरी, उनके उनके आवाज की माधुरी कानों में सुनाई देती है। तो वो और तड़पती है साक्षात सेवा पाने के लिए, और तड़पती है साक्षात सुनो साक्षात सुनो। तो हमारे जो श्री ठाकुर महाशय हैं, श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, वो बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसा कब होगा कि मैं आपके वचनामृत का रसास्वादन कर पाऊं, क्योंकि जो इनका रसास्वादन करते हैं वो बहुत धन्याति धन्य है। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने फिर से श्री वृंदावन महिमामृतम में लिखा है, श्री राधा माधव श्री बदन कमलयुः कोटि चंद्राति कांतेः संफुल्ल स्वर्ण कोश स्फुटित मरकताम भोज सौभाग्य भाजु हो पायम पायम सुशीता मधुरतर वहन दास पीयूष वाणी माद्यद वृंदावने हम निर्वधि ललिता द्याली वृंदम भजामी। कि कोटि कोटि चंद्रमाओं की प्रभा को मलिन कर देने वाले और प्रफुल्ल स्वर्ण कोश के भीतर प्रस्फुटित नील पद्म की शोभा सौभाग्य धारी, प्रफुल्लित स्वर्ण कोश के भीतर प्रस्फुटित नील पद्म, यानी प्रिया जी हैं ये स्वर्ण कोश, प्रिया जी और उनके गोद में श्याम सुंदर। जब दोनों प्रिया प्रियतम इस तरह से गलबहियां डालकर आपस में प्रेम आलाप करते हैं, कथा बोलते हैं मधुराति मधुर स्वर में, मधुराति मधुर वाणी में, तो उनके बदन कमलों से निकली
सुशीतल और मधुरतर अमृतवाणी पान करके जो ललिता आदि सखियां मत्त हुई हैं, मैं उनका नित्य भजन करता हूं। समस्त सखियां प्यासी होती हैं उस वाणी को सुनने के लिए, इसलिए अभिसार, इसलिए मिलाना उनका रूप लावण्य देखने के लिए, उनकी मधुरिमा देखने के लिए, उनकी इतनी मधुर आवाज को सुनने के लिए। तो ऐसी वाणी जो सुनते हैं वाकई धन्याति धन्य है। आगे श्रील ग्रंथकार कहते हैं कि मैं श्री राधा माधव के श्री अंगों पर विलास से लुप्त हुए मृगमद आदि के तिलक उज्जवल कर दूं। प्रिया प्रियतम का ये जो विलास है, ये जो प्रेम विलास है, ये जो केली क्रीड़ा है, ये सखी मंजरियों के आनंद के लिए है, वहां उनका अपना आनंद नहीं है। और इस तरह का जो रास विलास है, जब महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी जी से पूछा कि क्यों है ऐसा, तो उन्होंने कहा मानुष पर अनुग्रह करने के लिए, मनुष्य पर कृपा करने के लिए भगवान ने अपने श्रृंगार रस की लीलाओं को प्रकट किया है। जब तक कि इन श्रृंगार रस लीलाओं का मनुष्य आस्वादन नहीं करेगा, भक्ति नहीं करेगा, वहां जाने की इच्छा उसकी नहीं होगी, वहां सेवा पाने की इच्छा नहीं होगी, तब तक वो भटकता रहेगा। उसको पूर्णतम उपलब्धि नहीं होगी, वो चाहे कहीं चला जाए पूर्णतम उपलब्धि नहीं होगी। यूं तो हर रस ही श्रेष्ठ है, पर सर्वश्रेष्ठ रस तो मधुर रस है, श्रृंगार रस है। और उस श्रृंगार रस में प्रिया प्रियतम का ऐसा सुंदर प्रेम है, तो श्री ठाकुर महाशय, श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कहते हैं कि मैं उनके अंगों पर विलास से लुप्त हुए कस्तूरी आदि के जो तिलक हैं उनको बनाऊं, उज्जवल करूं। श्री प्रिया जी के ललाट पर और मांग में सिंदूर की रचना करूं, बिंदी लगाऊं, सिंदूर लगाऊं। युगल अंगों पर सुगंधी चंदन का लेप करूंगी और मालती पुष्पों के हार तैयार करके पहनाऊंगी। माल्य गंध से, और अब माल्य तो वहां पर देखिए वृंदावन का एक स्वभाव है कि यहाँ की पुष्प लता तृण गैया ब्रजजन सब कोई श्री कृष्ण प्रेम से भरे हैं और श्री कृष्ण सेवा के लिए ही है, कृष्ण सेवा के लिए ही है। तो यहां पर जो पुष्प खिलते हैं वो कभी भी मुरझाते नहीं है, कभी भी मुरझाते नहीं है, और समस्त ऋतुओं के पुष्प यहां पर होते हैं। तो ना केवल ये, उनकी जो गंध होती है, जो मालती का पुष्प हम सूंघते हैं, चमेली का पुष्प हम सूंघते हैं, उन्होंने तो अपनी गंध छुपा ली है कपटी मनुष्यों से, बहुत कम गंध कि चलो ठाकुर जी को सेवा हो जाती है उससे। लेकिन जब आपने गौर किया होगा मंदिर में भी जब हम वो चढ़ाते हैं तो उस समय वो पुष्प इतना सुगंधित नहीं होता, जब भगवान को वो चढ़ जाते हैं है ना, भगवान को सजा देते हैं उन पुष्पों से, और जब बाद में प्रसादी माला को उतारा जाता है और उसको आघ्राण करते हैं, सूंघते हैं, तो देखते हैं कि उसमें इतनी सुगंध कहां से आ गई, वो तो थी ही नहीं। तो लेकिन वहां पर जितनी भी पुष्प हैं वो बहुत ही सुगंधित हैं प्रिया प्रियतम की सेवा के लिए। तो उसके गंध से जो माला पहनाई, और श्री युगल का जो बदन सौरभ है वो तो है ही मत करने वाला, उससे आकृष्ट होकर भवरों का दल श्री युगल के बदन के चारों तरफ झंकार करता हुआ फिरेगा, आकृष्ट हो गया, इतनी सुगंध मिल रही है भवरों को, पान करने के लिए आ रहा है। और श्री राधा कृष्ण जब उस बाधा से थोड़े त्रस्त होंगे तो मैं उन भ्रमरों को भगा दूंगी, ये भी मेरी एक सेवा रहेगी, मैं भगा दूंगी। और श्री ललिता सखी कृपा करके युगल के बीजन के लिए, पंखा करने के लिए मेरे हाथों में पंखा देंगे कि तुम पंखा करो, सेवा देंगे। देखिए सखियां ही सेवा देती हैं, मंजरियां सेवा देती हैं, जो वरिष्ठ मंजरियां हैं, सखियां हैं, गुरु वर्ग हैं, वो सेवा देते हैं। तो मैं श्री युगल की मृदुमंद सेवा करूंगा, हवा दे करके हवा दूंगा।
और श्री युगल के श्री अंगों के शम जल सूख गए जब मैं ये देखूंगी कि मेरी इस बीजन सेवा से उनके श्री अंग के शम जल जो थे पसीने की बूंदें वो सूख गई, तो मैं परमानंद से आत्महारा हो जाऊंगी और युगल माधुरी आस्वादन करूंगी। श्री श्री राधा माधव युगल की ऐसी पाद पद्म सेवा अमृत माधुरी पान करने की एकांत आशा इस दीन नरोत्तम दास के हृदय में जगती है। किंतु हाय, अब देखिए फिर से साधक आवेश जोर मारता है, कह रहे हाय हाय वो शुभ दिन क्या कभी आएगा जब मैं युगल माधुरी जीव भरकर आस्वादन करूंगा। जीव के लिए सर्वोच्च आस्वादन की जो वस्तु है वो श्री राधा कृष्ण है, ये याद रखिए, और कोई नहीं है। कोई भगवत स्वरूप इतना आस्वादन से युक्त नहीं है कि जिसकी इतनी निबिड़ सेवा की जा सके, और जहां लीला स्वच्छंद रूप से बहती हो, स्वच्छंदता हो लीला में, परम प्रेम हो, धीर ललित नायक हो, श्री कृष्ण धीर ललित नायक हैं। कोई भार वार नहीं उन पर कि राज्य संभालना है तो भागो, कोई भार नहीं है। पिताजी देख रहे हैं राज्य, नंद बाबा ये किशोर हैं, धीर ललित नायक। तो ऐसा शुभ दिन कब आएगा जब मैं युगल माधुरी जी भरकर आस्वादन करूंगा। हाय हाय, इसका कोई चिन्ह नहीं दिखता। प्रेम की मूर्ति है हमारे प्यारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, प्रेम इनके रग रग में बहता है, ये परम प्रेमिक हैं और नित्य पार्षद हैं, नित्य सिद्ध। तो भी इतनी तृष्णा है इस युगल सेवा की कि उनको लगता है कि इस युगल माधुरी का आस्वादन कभी होगा, ऐसा कोई चिन्ह नहीं दिखता है। निराश हो जाते हैं, फिर आशा नहीं छोड़ते, लेकिन फिर आशा होती है उत्पन्न, फिर से जाते हैं, फिर से स्मरणांग भजन में प्रिया प्रियतम के दर्शन होते हैं, स्वप्नों में दर्शन होते हैं। तो इस तरह से श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने एक बड़ी ही प्यारी प्रार्थना प्रिया प्रियतम के चरणों में रखी। आगे भी एक सुंदर स्वाभिष्ट लालसा है उन्हीं के शब्दों में, श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो हम आस्वादन करेंगे। आज की भागवती कथा यही विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम श्री गुरु निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल।